हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं, शायद आज हम कहाँ पे आए हैं? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ पार्क। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, हम असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कितना बड़ा एरिया है, क्या टिकट है इसकी, सारी चीज़ दिखाने वाले हैं। वीडियो में बने रहें और कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप, और कैसे आएँ, क्या करें, आप जो भी है पूछ सकते हैं आप। और बाकी हम लोग तो बताने वाले हैं आपको, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। चलिए देखते हैं। इंटर कर चुके हैं हम लोग, और इंटर करने के बाद हमें एक फॉर्म मिला है, उस फॉर्म को फिल करना है। मैं फॉर्म दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है? मैं फॉर्म दिखा दूंगा। फॉर्म इसी तरीके का है कुछ? ये फॉर्म है, इस पर आपका नाम भरना है आपको, और नंबर डालना है। तो अगर आप दो पर्सन हैं तो दो नाम आप कहेंगे और अलग अलग नंबर डाल देना है। काउंट, और अगर गाड़ी लेके आए हैं तो गाड़ी का इसमें नंबर वगैरह आएगा, और इसकी जो टिकट है 10 रुपये बताइए। तो हम लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं। वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। गाइस, यहाँ पे आपको फॉर्म भर के जमा करना है और पेमेंट करनी है। ये सेक्शन है, कोई भी आए तो यहीं से लेगा। तो जो टिकट है वो इस तरीके की है, और उन्होंने बोला है कि दो जगह आप घूम सकते हैं। तो हम दो बंदे हैं तो दोनों बंदों की 20 रुपये टिकट है, एक बंदे की 10 रुपये है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें कंटिन्यू, चलिए देखते हैं। दोस्तों, पहला हमारा जो पार्क है सामने, बटरफ्लाई का पार्क है, इसी में हम जाएंगे, और क्या क्या चीज़ें अंदर सारी हम कवर करेंगे। ये बटरफ्लाई का पार्क है, इन्वायरमेंट कैसा है, क्या क्या चीज़ें बटरफ्लाई कितनी तरीके की हैं, सारी चीज़ कवर करेंगे। चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, हम पार्क में एंटर होने वाले हैं, चलिए अंदर चलते हैं। हम एंटर हो चुके हैं दोस्तों पार्क में। ये देखिए, ये है व्यू एंटर होने के बाद, पूरा व्यू देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कॉमन होस्ट प्लैनेट्स फॉर बटरफ्लाई गार्डनिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। चित्राक है, जाड़ बार, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और भी आपको कुछ चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं, जो आप यहाँ पे जितने पेड़ पौधे देखेंगे ना दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे देखेंगे सब पर उन पेड़ पौधों का नाम है। ये देखिए, जैसे इसपे लिखा है हमालडास, ऐसी और आपको दिखाते हैं। ऐसी आप जगह जगह पेड़ पौधे देखेंगे, उन पर नाम लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं और कौन सा पेड़ पौधा है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए फैक्ट्स अबाउट बटरफ्लाई, या यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि बटरफ्लाई सुन नहीं सकती, सिर्फ वाइब्रेशन को सेंस कर सकती है, सुन नहीं सकती है, बाकी चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हैं। बटरफ्लाई के जितने भी फैक्ट हैं आप जान सकते हैं, और बटरफ्लाई से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है आपकी यहाँ पे आके अपनी पूरी कर सकते हैं। बॉटनी के तो छात्र हैं दोस्तों, वो यहाँ के भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, अब वो यहाँ आ सकते हैं, और बाकी जो बिना बॉटनी के हैं वो तो आ ही सकते हैं, इन्वायरमेंट का मज़ा ले सकते हैं। अब थोड़ा दोस्तों इसके बात कर लेते हैं, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर लेते हैं, कब ओपन होता है, कितना बड़ा है। तो दोस्तों, हमें जो टिकट मिली थी इसके पीछे ही जस्ट सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं बता दे रहा हूँ। जो समर में है वो मार्च से लेकर अक्टूबर तक 6 बजे से सुबह और शाम को 6 बजे तक ये ओपन रहता है, पर लेकिन एंट्री ले तुम आप 2 बजे से पहले आपको करनी होगी। ये नहीं है आपको 2 बजे के बाद एंट्री कर रहे हो तो नहीं कर सकते आप। ऐसे दोस्तों, विंटर में नवंबर से लेकर फरवरी तक 7:30 बजे सुबह से ले गए
और शाम को 4 बजे तक। विंटर में जो इंट्री है आपकी वो 1 PM तक है। और उसके बारे में मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ, जो इंट्री फ़ीस फॉर एडल्ट 18 साल से ऊपर के लिए है वो 10 रुपये है पर हेड। इंट्री फ़ीस फॉर माइनर 5 साल से 18 साल के बीच में 5 रुपये पर हेड है। इंट्री फ़ीस स्टूडेंट के लिए 5 रुपये पर हेड है। इंट्री फ़ीस माइनर के लिए जो 5 साल से नीचे है नील है, 0 रुपये। इंट्री फ़ीस फॉर LMB 5 रुपये पर व्हीकल है। इंट्री फ़ीस फॉर हैवी व्हीकल 10 रुपये पर हेड, मतलब 10 रुपये पर व्हीकल। और एनी कैमरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट 10 रुपये पर यूनिट। कोई भी आइटम लेके आए कैमरा, बाकी दोस्तों थूकना वगैरह कोई गंदगी फैलाते हैं उस पर 500 रुपये जुर्माना फर्स्ट टाइम, और 2000 रुपये अगर और भी करते रहते हैं। तो शायद बताएंगे कुछ यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे सबसे फेमस जगह जो यहाँ पे पॉइंट है वो है तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट से आप आ सकते हैं, वहाँ से 2.5 किलोमीटर दिखाता है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुगलकाबाद फोर्ट तक ही चलता है। तो वहाँ से अगर आप आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप पैदल आ सकते हैं, और पर्सनल गाड़ी से आप आ सकते हैं। पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं आप अपनी 2-व्हीलर 4-व्हीलर पर। लेकिन दोस्तों अगर तो दोस्तों लैपेड के लिए जो अलग से पार्क बनाया है वहाँ पर आपको सिर्फ 4-व्हीलर ही चाहिए होगी। बाकी इस पार्क में 2 पार्क हैं यहाँ पे, वो 2 पार्कों में आप पैदल घूम सकते हैं, अपना खुद का 2-व्हीलर ला सकते हैं पर। लेकिन लैपेड जो है उसके पार्क में आपको 4-व्हीलर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो आसपास भी आपके घूमते रहते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए आपको 4-व्हीलर पूरा पैक होना चाहिए, क्योंकि वो आप पे हमला भी कर सकते हैं। गार्ड साहब बता रहे थे काफ़ी हमले होते भी रहते हैं यहाँ पे, तो अपनी सेफ्टी के लिए 4-व्हीलर में ही है, और बिना 4-व्हीलर के आपकी एंट्री होगी भी नहीं। तो बाकी दोस्तों हमने आपको इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया इसका, कब आना है, विंटर में कब है, समर में कब है, फ़ीस कितनी है, गाड़ी कौन सी लानी है, कहाँ पे, कितने पार्क हैं, ये सारी चीज़ें हमने, हाँ जी, खर्चा वगैरह हमने सारा बता दिया। और बाकी हाँ वीडियो के साथ बने रहें, पूरा ये पार्क दिखाएंगे, आप वीडियो को लाइक करते जाएं। दिल्ली के कोई एरिया में है ऐसा कोई पार्क आपकी नज़र में? दोस्तों दिल्ली के एरिया में मैंने तो नहीं देखा ऐसा पार्क कोई भी। और आप लोगों ने देखा है तो कमेंट में करके बताइए कि ऐसा पार्क और भी है, तो हम उसे भी कवर करें। तो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप वीडियो बने रहे और वीडियो को लाइक करते रहे।